हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद लक्ष्मी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि इस दिवाली आपको किन कामों से परहेज करना चाहिए और किस बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत बहुत बधाई, साथ ही आपके बच्चे को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, दीपावली का त्यौहार खुशियों का पर्व होता है और इस दिन हर कोई दिए जलाता है, पटाखे जलाता है और मिठाइयाँ खाता है। हालाँकि प्रेगनेंट महिलाओं को इस त्यौहार पर थोड़ा संभल कर रहना जरूरी होता है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिस पर पूरा घर जगमगा उठता है। इस दिन पूरा परिवार मिलकर त्यौहार मनाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस दिन कुछ खास सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, दिवाली पर ही नहीं बल्कि इससे पहले भी घर की साफ़ सफाई को लेकर महिलाओं को एहतियात बरतना ज़रूरी होता है। तो आप घर की साफ़ सफाई करते समय अपना ध्यान रखें, अपना बहुत ही सावधानीपूर्वक घर के कामकाज करें। दिवाली के लिए हर घर साफ सफाई का होना एक अहम हिस्सा है। रसोई से लेकर बालकनी के पौधे और घर का इंटीरियर सब बदल जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी में आपको घर के काम ज़्यादा नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, पहला जो है, आपको साफ सफाई के दौरान सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज करना चाहिए। दूसरा जो है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के समय आसानी से बहुत ही हल्के फुल्के काम करते वक्त भी थकान महसूस हो जाता है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको गिरने या फिसलने का डर हो। सफाई में इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, इसमें हानिकारक तत्व तो हो सकते हैं जिसके इस्तेमाल आपको और आपके बच्चे को दूषित कर सकता है। घर के काम करते समय आपको भारी भरकम चीज़ नहीं उठाना चाहिए, ये चीज़ उठाने से परहेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, दीपावली मिठाइयों का त्यौहार माना जाता है। घर पर खूब मिठाइयाँ और नमकीन आते हैं। गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा मीठा और तला हुआ खाना नहीं चाहिए, इससे आपको एसिडिटी और सीने में जलन हो सकती है। इसके अलावा आप कम खाएं और समय पर खाएं। कई बार ऐसा होता है कि काम के चक्कर में प्रेग्नेंट लेडीज समय पर खाना पीना नहीं खा पाती हैं, काम में ही लगी रहती हैं, ऐसे में उनको पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट टाइट हो जाता है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, काम को साइड में रख के पहले आप टाइम से खाना पीना कीजिए, उसके बाद फिर काम करिए। वो भी हल्का फुल्का काम करना है आपको, भारी भरकम कोई भी काम नहीं करना है। दिवाली पर बाहर का खाना ना खाएं। दिवाली पर अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनको चाय कॉफ़ी के अलावा फ्रूट जूस या नींबू पानी दें, मिल्क शेक बनाएं, खुद भी पिएं और उन्हें भी पिलाएं। प्रेगनेंट महिलाएं दिवाली के मौके पर पार्लर या किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट से बचें, इसका इस्तेमाल ना करें। इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा आपकी भी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में पूरी बॉडी चेंजेस होता है और आपकी स्किन भी नाजुक हो जाती है, इसलिए आपकी भी त्वचा को ये हार्म पहुंचा सकते हैं। प्रेगनेंट लेडी को मेहमानों को पैर छूने से बचना चाहिए, उनको दूर से ही हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए, उनको बार बार झुककर पैर नहीं छूना चाहिए। पटाखे से दूर रहें, दूर से ही पटाखे देखें, खुद पटाखे ना जलाएं, तेज़ आवाज़ों से बचें। जहाँ पटाखे जल रहे हैं, ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, वहाँ से दूर रहें आप, पटाखों के धुएं से दूर रहें। दिवाली के दिन तो ज़्यादा काम रहता ही है, तो आप हल्का फुल्का काम ले लें। अपने घर में और भी मेंबर हैं, उनको भारी जो काम है वो सौंप दें, आप दिया जलाने का काम कर लें, वैसे हल्का फुल्का काम आप ले सकते हैं, बाकी काम उनसे बोल के करा सकते हैं। दिवाली के दिन तो सभी नए कपड़े पहनते हैं, तो आप आरामदायक कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, इससे आपको और आपके बच्चे को कम्फर्टेबल महसूस हो। दिवाली से कुछ दिन पहले हर कोई घर में सफ़ेदी या पेंट करवाता है, इससे अस्थमा अटैक ट्रिगर हो सकता है और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए सही नहीं है। इसलिए जिस भी घर में सफ़ेदी हो रही है आप उसके आसपास ना जाएं। आप इस दिन अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, इस समय मीठा ज़्यादा खाएंगे तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, इसलिए खाने में कंट्रोल रखें। फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारियाँ। फ्रेंड्स, हमारी तरफ से दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी 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 दिवाली। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।